ड्राइंग टूलबार खोलने के लिए स्टैंडर्ड मेन्यू बार से व्यू मेन्यू पर क्लिक करें। दिखाए गए व्यू ड्रॉप डाउन मेन्यू से टूलबार ऑप्शन का चयन करें। टूलबार्स द्वारा दिखाई गई सूची से ड्राइंग ऑप्शन का चयन करें। ये आपको ड्राइंग टूलबार दिखाएगा। ड्रॉ आइकॉन पर क्लिक करने से ड्राइंग का पॉपअप मेन्यू दिखाई देता है, जिसका उपयोग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स में बदलाव लाने के लिए किया जा सकता है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स चुनने के लिए पहले ऑब्जेक्ट को चुनें, फिर शिफ्ट की को दबाए रखते हुए बाकी के ऑब्जेक्ट्स का चयन करें। ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करने के लिए पहले फ्री रोटेट आइकॉन पर क्लिक करें और फिर माउस के कर्सर को ड्रैग करते हुए उसे रोटेट करें। ड्राइंग टूलबार के ऑटो शेप आइकॉन पर क्लिक करने से ऑटो शेप्स का पॉपअप मेन्यू पूरी एक ऑटो शेप्स की सूची के साथ दिखाई देगा। ऑटो शेप पॉपअप मेन्यू के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं, जिनसे आप पसंद और आवश्यकता अनुसार ऑटो शेप्स चुन सकते हैं। ये विकल्प हैं लाइंस, कनेक्टर्स, बेसिक शेप्स, ब्लॉक एरोज, फ्लो चार्ट, स्टार्स एंड बैनर्स, कॉल आउट्स, एक्शन बटन्स। रेखा बनाने के लिए ड्राइंग टूलबार से लाइंस आइकॉन का चयन करें, फिर जहां आप रेखा बनाना चाहते हैं उस दिशा में माउस को ड्रैग करें। एकदम सीधी रेखा बनाने के लिए शिफ्ट की को दबाए रखते हुए माउस के कर्सर को ड्रैग करें। एरोहेड लाइन बनाने के लिए एरोहेड आइकॉन को चुनें, फिर माउस को ड्रैग करके रेखा बनाएं। रेक्टेंगल बनाने के लिए रेक्टेंगल आइकॉन पर क्लिक करें, फिर माउस को ड्रैग करते हुए किसी भी आकार या डायमेंशन का रेक्टेंगल बना सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए शिफ्ट की को दबाकर रखते हुए माउस को ड्रैग करें। इस तरह रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों ही रेक्टेंगल आइकॉन की सहायता से बनाए जा सकते हैं। ओवल शेप बनाने के लिए ओवल आइकॉन पर क्लिक करें, फिर माउस को ड्रैग करते हुए ओवल शेप बनाएं। परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए शिफ्ट की को दबाए रखते हुए माउस को ड्रैग करें। ड्राइंग टूलबार के पास टेक्स्ट बॉक्स आइकॉन भी होता है। ये आइकॉन आपको माउस को ड्रैग करके टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने देता है। वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट शामिल करने के लिए आप टूल बार से वर्ड आर्ट आइकॉन चुन सकते हैं। जब आप वर्ड आर्ट आइकॉन पर क्लिक करते हैं तब विभिन्न प्रकार के वर्ड आर्ट स्टाइल्स दिखाई देते हैं, जिनमें से किसी को भी आप अपने प्रेजेंटेशन में शामिल कर सकते हैं। अपने प्रेजेंटेशन को और अच्छा तथा जानदार बनाने के लिए आप क्लिप आर्ट को भी शामिल कर सकते हैं। इंसर्ट क्लिप आर्ट आइकॉन पर क्लिक करके आप क्लिप आर्ट को शामिल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स में कलर, टेक्सचर या फिर पिक्चर्स को भी भरा जा सकता है। ये विभिन्न इफेक्ट्स आप ऑब्जेक्ट में फिल कलर आइकॉन के द्वारा डाल सकते हैं। फिल कलर आइकॉन के साथ डाउन एरो पर क्लिक करने से आपको निम्नलिखित विकल्प दिखाई देंगे। नो फिल, ऑटोमेटिक फिल। इस विकल्प द्वारा ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट रंग से भर जाता है। मोर फिल कलर्स। दर्शाई गई रंगों की तल्लिका या पैलेट से आप रंग चुनकर ऑब्जेक्ट में भर सकते हैं। फिल इफेक्ट। इसके द्वारा आप ऑब्जेक्ट्स में विभिन्न फिल इफेक्ट दे सकते हैं। लाइन ऑब्जेक्ट्स को फॉर्मेट करने के लिए लाइन कलर आइकॉन पर क्लिक करें। ये आइकॉन यूजर को सहूलियत देता है कि वे रेखा के रंग को फॉर्मेट और लाइन ऑब्जेक्ट्स में पैटर्न इफेक्ट्स डाल सके। इसी आइकॉन के साथ डाउन एरो पर यदि क्लिक करें तो ये पॉपअप मेन्यू देगा, जिसका प्रयोग अपनी पसंद का रंग और लाइन ऑब्जेक्ट्स को इफेक्ट्स देने के लिए कर सकते हैं। फॉन्ट कलर बदलने के लिए टूलबार में दिए गए फॉन्ट कलर आइकॉन पर क्लिक करें। इस आइकॉन के साथ दिए गए डाउन एरो पर क्लिक करके और भी अधिक रंग देखे जा सकते हैं। इनमें से पसंद अनुसार आप फॉन्ट का रंग चुन सकते हैं। लाइन स्टाइल आइकॉन आपको रेखाओं की स्टाइल और चौड़ाई को सेट करने की सुविधा देता है। यदि इस आइकॉन पर क्लिक करें तो ये पॉपअप मेन्यू दिखाएगा, जिसमें पहले से ही फॉर्मेटेड रेखाएं उपलब्ध होती है। आप आवश्यक स्टाइल और थिकनेस वाला लाइन फॉर्मेट चुन सकते हैं।
ठीक इसी तरह से डैश्ड लाइन को भी टेक्स्ट में शामिल किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए टूल बार के डैश लाइन आइकॉन पर क्लिक करें। ये पहले से ही फॉर्मेट की गई डैश्ड लाइन्स की सूची दिखाएगा जिसमें से आप इच्छित फॉर्मेट चुन सकते हैं। एरो हेडेड लाइन्स को शामिल करने के लिए एरो स्टाइल आइकॉन पर क्लिक करें। ये आपको पहले से ही फॉर्मेट किए हुए विकल्प बताएगा। चुने हुए ऑब्जेक्ट को शेडो इफेक्ट देने के लिए टूल बार के शेडो आइकॉन पर क्लिक करें। ये पहले से फॉर्मेट किए हुए विकल्प दिखाएगा और इनमें से किसी का भी प्रयोग ऑब्जेक्ट पर किया जा सकता है। चुने हुए ऑब्जेक्ट को 3D इफेक्ट देने के लिए 3D आइकॉन पर क्लिक करें। ये 3D इफेक्ट्स के लिए पहले से ही फॉर्मेटेड विकल्पों की सूची दिखाएगा और इसमें से फिर मनपसंद विकल्प चुना जा सकता है। ड्राइंग टूलबार में दिए हुए ड्राइंग टूल्स का प्रयोग कर विभिन्न ड्राइंग ऑब्जेक्ट को बनाया और बदला जा सकता है। आप एक रेखा बनाकर उसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ड्राइंग टूलबार से लाइन आइकॉन पर क्लिक करें। जब माउस पॉइंटर को स्लाइड के ऊपर से ले जाएंगे तो वो एक पतले क्रॉस हेयर पॉइंटर में बदल जाएगा। उस स्थान पर क्लिक करें जहां से रेखा को शुरू करना है, फिर लेफ्ट माउस की को दबाकर रखते हुए माउस को रेखा बनाने की दिशा में ड्रैग करें। रेखा का अंत बताने के लिए माउस बटन को छोड़ दें। आप द्वारा निर्धारित शुरू और अंत के बीच अब रेखा दिखाई देगी। ड्राइंग टूल्स के द्वारा भी लाइन्स या रेखा को फॉर्मेट किया जा सकता है। लाइन फॉर्मेट करने के लिए उस लाइन का चयन करें जिसे फॉर्मेट करना चाहते हैं। उस लाइन पर डबल क्लिक करने से फॉर्मेट ऑटोशेप डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। आप इस डायलॉग बॉक्स में विभिन्न विकल्प बदल सकते हैं, जैसे कि लाइन कलर, स्टाइल और थिकनेस। बदलाव को अप्लाई करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करें। रेक्टेंगल, ओवल शेप्स और फ्री फॉर्म शेप्स भी बनाए जा सकते हैं। ड्राइंग टूलबार में ऐसे आइकॉन्स उपलब्ध हैं जिनसे ये आकार बनाए जा सकते हैं। रेक्टेंगल बनाने के लिए रेक्टेंगल आइकॉन पर क्लिक करें। जब माउस पॉइंटर को स्लाइड के ऊपर से ले जाएंगे तो वो एक पतले क्रॉस हेयर पॉइंटर में बदल जाएगा। उस स्थान पर क्लिक करें जहां से ऑब्जेक्ट की शुरुआत करनी है, फिर लेफ्ट माउस की को दबाकर रखते हुए माउस को तब तक ड्रैग करें जब तक आकार आपके पसंद के नाप का नहीं हो जाता है। कार्य समाप्त होने पर माउस को छोड़ दें। बेसिक ड्राइंग टूल्स का इस्तेमाल करते वक्त शिफ्ट की का प्रयोग करके आप इमेज के आकार को रिस्ट्रिक्ट या प्रतिबंधित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर रेक्टेंगल टूल से परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए शिफ्ट की को होल्ड करते हुए माउस को ड्रैग करें। इस तरह से रेक्टेंगल शेप प्रतिबंधित हो जाएगा और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा। स्टैंडर्ड शेप्स के अलावा फ्री फॉर्म शेप्स भी बनाए जा सकते हैं। इसके लिए स्क्रिबल टूल का प्रयोग होता है। फ्री फॉर्म शेप्स बनाने के लिए ड्राइंग टूल बार में ऑटो शेप्स बटन पर क्लिक करें। ये आपको ऑटो शेप्स पॉपअप मेन्यू दिखाएगा। इससे लाइन ऑप्शन को चुनिए जो विभिन्न प्रकार की रेखाओं के विकल्प दिखाएगा। यहां से स्क्रिबल आइकॉन को चुनिए। जब आप माउस पॉइंटर को स्लाइड पर घुमाएंगे तो वो एक पेन में बदल जाएगा। माउस पॉइंटर को उस लोकेशन पर क्लिक करें जहां से आप ड्राइंग शुरू करना चाहते हैं और माउस के बाएं की को दबाए रखते हुए तथा इच्छित आकार बनाने के लिए पॉइंटर को ड्रैग करें। काम खत्म होने पर माउस बटन को छोड़ दें। ऑटो शेप्स, जैसा कि नाम ही बताता है, प्री डिफाइंड या पहले से ही परिभाषित आकार है जो ड्राइंग टूलबार द्वारा उपलब्ध होते हैं। विभिन्न प्रकार के आकार में से चयन कर अपने स्लाइड में उन्हें शामिल कर सकते हैं। यहां आकार के लिए एक विस्तृत रेंज उपलब्ध होती है जो एक सीधी रेखा से लेकर कॉम्प्लेक्स 3D इमेज तक फैली होती है। एक बार जब इन आकार को स्लाइड में शामिल कर लिया हो तो उन्हें आसानी से बदला और फॉर्मेट किया जा सकता है। ऑटो शेप को शामिल करने के लिए ड्राइंग टूलबार से ऑटो शेप बटन पर क्लिक करें। ऑटो शेप मेन्यू द्वारा उस ऑटो शेप का चयन करें जिसे आप स्लाइड में शामिल करना चाहते हैं। स्लाइड के उस स्थान पर जहां आप ऑटो शेप डालना चाहते हैं माउस पॉइंटर को रखें।
माउस के बाएं बटन को पकड़कर उसे जरूरत अनुसार दिशा में ड्रैग करें। जब अपनी जरूरत अनुसार सही नाप और प्रोपोर्शन में आकार मिल जाए तो माउस बटन को छोड़ दें। यदि आकार को फिर से एडजस्ट करना है तो आकार को चुनकर एडजस्टमेंट हैंडल को ड्रैग करें। यहाँ विभिन्न ऑटोशेप मेन्यू दिखाए गए हैं। चलिए हरेक ऑटोशेप मेन्यू में उपलब्ध विकल्पों को देखते हैं। यहाँ है लाइन्स मेन्यू में उपलब्ध विकल्प, ये है कनेक्टर्स मेन्यू, यहाँ है बेसिक शेप मेन्यू, ये है ब्लॉक एरोज मेन्यू, यहाँ है फ्लोचार्ट मेन्यू में उपलब्ध विकल्प, स्टार्स और बैनर्स मेन्यू के विकल्प यहाँ दिखाए गए हैं, ये कॉल आउट्स मेन्यू है, एक्शन बटन में ये आकार शामिल होते हैं। यदि मोर ऑटोशेप्स ऑप्शन का चयन करते हैं तो एक बड़े समूह की कैटेगरीज में से चयन कर पाएंगे। प्रेजेंटेशन को आकर्षक और जानदार बनाने के लिए आप क्लिप आर्ट को शामिल कर सकते हैं। अधिकतर कंप्यूटर्स में कई सारे क्लिप आर्ट होते हैं जिनको आसानी से प्रेजेंटेशन में डाला जा सकता है। इंटरनेट या फिर एमएस ऑफिस इंस्टॉलेशन सीडी के द्वारा आप अतिरिक्त क्लिप आर्ट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रोजेक्ट में क्लिप आर्ट शामिल करने के लिए ड्राइंग टूलबार के इंसर्ट क्लिप आर्ट आइकॉन पर क्लिक करें। इससे इंसर्ट क्लिप आर्ट डायलॉग बॉक्स क्लिप आर्ट की गैलरी के साथ दिखाई देगा। आप क्लिप आर्ट के उपलब्ध विभिन्न कैटेगरीज को स्क्रॉल बार द्वारा भी देख सकते हैं। निश्चित कर लें कि पिक्चर टैब चुना हुआ हो और फिर उस कैटेगरी या समूह का चयन करें जो आपकी जरूरतों से मेल खाता हो, उदाहरण के तौर पर नेचर या एकेडमिक। कैटेगरी या ग्रुप पर क्लिक करने से उसमें उपलब्ध सारे क्लिप आर्ट दिखाई देंगे। क्लिप आर्ट इंसर्ट करने के लिए उस पर एक बार क्लिक करें जिससे एक पॉपअप मेन्यू दिखाया जाएगा। फिर इंसर्ट क्लिप ऑप्शन चुनें जो पॉपअप मेन्यू में पहला आइटम है। चुना हुआ क्लिप आर्ट आपके प्रेजेंटेशन में फिर पेस्ट हो जाएगा। इंसर्ट क्लिप आर्ट डायलॉग बॉक्स खुला रहेगा और आप अधिक क्लिप आर्ट अपने प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं। कार्य खत्म होने के बाद इंसर्ट क्लिप आर्ट डायलॉग बॉक्स को बंद कर दें। आप क्लिप आर्ट पिक्चर्स को ढूंढ भी सकते हैं। इंसर्ट क्लिप आर्ट डायलॉग बॉक्स के सर्च फॉर क्लिप सेक्शन में ऐसा शब्द या फ्रेज डालें जो आपके क्लिप आर्ट को सबसे बेहतर डिस्क्राइब करता हो, फिर एंटर की दबाएं। इंसर्ट क्लिप आर्ट डायलॉग बॉक्स के सर्च फॉर क्लिप सेक्शन में वो शब्द या वाक्यांश एंटर करें जो आपके द्वारा ढूंढे जा रहे क्लिप आर्ट के प्रकार का वर्णन करता है और एंटर की प्रेस करें। क्लिप आर्ट जो आपके शब्द या फ्रेज से मेल खाता होगा प्रदर्शित होगा और आप उसका चयन कर प्रेजेंटेशन में पेस्ट कर सकते हैं। स्टैटिक क्लिप आर्ट के अतिरिक्त जिसे आपने देखा, आप इंसर्ट क्लिप आर्ट डायलॉग बॉक्स के जरिए साउंड और मोशन क्लिप्स भी अपने प्रेजेंटेशन में शामिल कर सकते हैं। इंसर्ट क्लिप आर्ट डायलॉग बॉक्स से साउंड या मोशन क्लिप्स के टैब को चुनकर आप साउंड्स या मोशन क्लिप्स अपने प्रेजेंटेशन में शामिल कर सकते हैं। अपने प्रेजेंटेशन में डालने के लिए साउंड या मोशन क्लिप का चयन करें। ये तभी संभव है जब आपके कंप्यूटर में ये लोडेड हो। आप कई बार एक या उससे अधिक ऑब्जेक्ट स्लाइड पर चुनना चाहेंगे। चलिए देखते हैं कि किस तरह अकेले या फिर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का चयन किया जाता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें किस तरह डिसेलेक्ट किया जाता है। अकेले या सिंगल ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए माउस के कर्सर को ऑब्जेक्ट के दिखाई पड़ने वाले भाग में रखें, फिर ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें। चुने हुए ऑब्जेक्ट को डिसेलेक्ट करने के लिए एक बार फिर ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें। कई बार एक समय में एक से अधिक ऑब्जेक्ट भी चुनने पड़ सकते हैं। पहले एक ऑब्जेक्ट को चुनें। शिफ्ट की को पकड़कर रखते हुए दूसरे ऑब्जेक्ट का चयन करें। इस दौरान पहला ऑब्जेक्ट चुना ही रहेगा। इस तरह शिफ्ट की को दबाए रखते हुए ऑब्जेक्ट्स को चुनना आप जारी रख सकते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स चुन लेने के बाद आप उसमें से किसी एक ऑब्जेक्ट के चयन को खारिज करना चाह सकते हैं या डिसेलेक्ट करना चाह सकते हैं। आप ऐसा शिफ्ट की को दबाए रखते हुए ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके कर सकते हैं। ऐसा करने से बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ड्राइंग टूलबार के सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स आइकॉन द्वारा भी ऑब्जेक्ट्स का चयन किया जा सकता है। पहले ड्राइंग टूलबार से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स आइकॉन पर क्लिक करें।
फिर माउस के बाएं की को दबाए रखते हुए माउस को ड्रैग करें। ऐसा करने से जिस ऑब्जेक्ट को चुनना है उसके चारों ओर बॉक्स बन जाएगा। जब माउस बटन को छोड़ देंगे ऑब्जेक्ट्स का चयन हो जाएगा। यहाँ एक बात का ख्याल रखना होगा कि बॉक्स ऑब्जेक्ट को चारों तरफ से अच्छी तरह घेर लेता है। कई बार ऑब्जेक्ट पूरी तरह से घेरा हुआ नहीं होता। वे ऑब्जेक्ट जो पूरी तरह से घेरे हुए नहीं होते हैं उनका चयन नहीं हो पाता है। कई बार आप स्लाइड के सारे ऑब्जेक्ट्स को भी चुनना चाह सकते हैं। ऐसा करने के लिए एडिट मेन्यू पर क्लिक करें, फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट ऑल ऑप्शन को चुनें। इससे स्लाइड में उपलब्ध सभी आइटम्स का चयन हो जाएगा। इसी तरह कीबोर्ड से कंट्रोल ए की दबाकर भी आप सारे ऑब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं। स्लाइड के सभी ऑब्जेक्ट्स का निरीक्षण करने के लिए पहले उनमें से एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। जब टैब की को दबाएंगे तो अगला ऑब्जेक्ट चुना जाएगा। इस तरह टैब की को बार बार दबाकर स्लाइड के सभी ऑब्जेक्ट्स को एक के बाद एक एक्सेस कर सकते हैं। शिफ्ट टैब की द्वारा भी आप विपरीत दिशा में स्लाइड्स के सभी ऑब्जेक्ट्स का निरीक्षण कर सकते हैं। कई बार स्लाइड में ऐसे सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होंगे और इन्हें आप एक ही ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इस तरह के केसेस में ऑब्जेक्ट्स को समूहबद्ध कर देना बहुत सुविधाजनक पड़ता है। अब यदि इस समूह में आप कोई भी बदलाव डालते हैं तो उसका असर समूह के सारे ऑब्जेक्ट्स पर होगा। इस तरह समूह बनाकर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स का समूह कैसे बनाया जाता है। पहले शिफ्ट की को दबाकर रखते हुए समूह के प्रत्येक ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें। इससे सारे ऑब्जेक्ट्स चुन लिए जाएंगे। या ऑब्जेक्ट्स का चयन माउस पॉइंटर को ऑब्जेक्ट के तरफ ड्रैग करने से भी किया जा सकता है। ऐसा करने से सिलेक्शन रेक्टेंगल उन सभी ऑब्जेक्ट्स का चयन कर जिनका समूह बनाना है अपने दायरे के अंदर ले लेता है। ऑब्जेक्ट्स चुनने के बाद ड्राइंग टूलबार में ड्रॉ आइकॉन पर क्लिक करें। ऐसा करने से एक पॉपअप मेन्यू दिखाई देगा और इस पॉपअप मेन्यू में से आप ग्रुप ऑप्शन को चुन लें। चुने गए आइटम्स अब समूहित किए जाते हैं। हर ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द रखे गए हैंडल्स अदृश्य हो जाते हैं और पूरे समूह के इर्द गिर्द हैंडल्स के एक ही सेट से रिप्लेस कर दिए जाते हैं। अब यदि आप किसी एक ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं तो सारा समूह चुन लिया जाता है। कई बार समूह बना लेने के बावजूद आपको एक ऑब्जेक्ट पर काम करना पड़ सकता है। ऐसे समय में आपको बनाए गए समूह को तोड़ना भी पड़ सकता है। समूहबद्ध ऑब्जेक्ट्स को अलग करने के लिए समूह के किसी एक ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके आप पूरे समूह को चुन लें। फिर ड्राइंग टूलबार से ड्रॉ आइकॉन पर क्लिक करें और फिर दिखाए गए मेन्यू से अनग्रुप कमांड चुनें। अब ग्रुप के चारों ओर के हैंडल्स गायब हो जाएंगे और प्रत्येक ऑब्जेक्ट के स्वयं के हैंडल रिस्टोर हो जाएंगे। इस तरह से समूहबद्ध ऑब्जेक्ट अलग हो जाते हैं और समूह के प्रत्येक ऑब्जेक्ट को आप इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका इन समूहबद्ध ऑब्जेक्ट्स को अलग करने का है कि पहले समूह के ऑब्जेक्ट्स को चुन लें और फिर इस चयन पर राइट क्लिक करें। ये शॉर्टकट मेन्यू दिखाएगा। इस पॉपअप मेन्यू से पहले ग्रुप ऑप्शन को चुनें और उसके बाद अनग्रुप ऑप्शन को चुनें। समूह के चारों ओर के हैंडल्स गायब हो जाएंगे और प्रत्येक ऑब्जेक्ट के हैंडल रिस्टोर हो जाएंगे। ग्रुप को अनग्रुप करने के बाद तथा आवश्यक बदलाव करके आप ऑब्जेक्ट्स को दोबारा ग्रुप कर सकते हैं। इस तरह हाल में ही समूह से अलग किए गए ऑब्जेक्ट्स को फिर एक ही समूह में लाने के लिए किसी भी एक ऑब्जेक्ट का चयन कीजिए। फिर ड्राइंग टूलबार से ड्रॉ आइकॉन पर क्लिक करें। दिखाए गए मेन्यू से रीग्रुप कमांड को चुनें। कई बार बनाए गए ऑब्जेक्ट्स के नाप को बदलने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। ऑब्जेक्ट्स को विशेष नाप वो दिशा जैसे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या डायगनल, मतलब सीधा, आड़ा या तिरछा रिसाइज किया जा सकता। ऑब्जेक्ट को रिसाइज करने के लिए पहले आप ऑब्जेक्ट को क्लिक करके उसका चयन करें। अब आप ऑब्जेक्ट के पास किसी भी एक रिसाइज हैंडल पर क्लिक करें ताकि माउस पॉइंटर एक क्रॉस हेयर पॉइंटर के रूप में बदल जाए। अब आप रिसाइज हैंडल को तब तक ड्रैग कीजिए
जब तक आपको ऑब्जेक्ट अपनी जरूरत के नाप के मुताबिक नहीं मिल जाता। इसके बाद माउस बटन को छोड़ दें। ऑब्जेक्ट्स को उनके वर्तमान साइज के प्रतिशत में भी रिसाइज किया जा सकता है। पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें तथा शॉर्टकट मेन्यू डिस्प्ले करने के लिए उस पर राइट क्लिक करें। इस शॉर्टकट मेन्यू से फॉर्मेट पिक्चर ऑप्शन का चयन करें, जो कि जब आप क्लिप आर्ट का चयन करते हैं वो उसकी सूची में होता है। जब आप ऑब्जेक्ट का चयन करते हैं तब फॉर्मेट ऑब्जेक्ट ऑप्शन उसके बदले दिखाया जाता है। फॉर्मेट पिक्चर ऑप्शन का चयन करने से फॉर्मेट पिक्चर डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। इस डायलॉग बॉक्स के साइज टैब पर क्लिक करें। इस डायलॉग बॉक्स के स्केल सेक्शन में हाइट एंड विड्थ पिन बॉक्सेस में निर्धारित की गई वैल्यूज से आप इनमें बदलाव ला सकते हैं। ओके बटन पर क्लिक करें ताकि डायलॉग बॉक्स बंद हो सके। डायलॉग बॉक्स द्वारा निर्धारित वैल्यूज के अनुसार ही अब आपकी पिक्चर की लंबाई और चौड़ाई रिसाइज होगी। कुछ पाबंदियां ऑब्जेक्ट्स को रिसाइज करते वक्त लगाई जा सकती है। ऑब्जेक्ट को सीधे, तिरछे या आड़े से एक कॉर्नर से रिसाइज करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट का चयन करें। शिफ्ट की को दबाकर रखते हुए किसी भी एक कोने के हैंडल पर क्लिक करें और उसे उचित आकार मिल जाने तक ड्रैग करें। ऑब्जेक्ट को सेंटर या मध्य से दोनों ओर बाहर की तरफ रिसाइज करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, फिर कंट्रोल की को दबाकर रखते हुए किसी एक कोने के हैंडल को क्लिक और ड्रैग करें। ऑब्जेक्ट को सेंटर से आउटवर्ड्स रिसाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट का चयन करें, कंट्रोल शिफ्ट की को दबाकर रखते हुए ऑब्जेक्ट के किसी भी एक कॉर्नर हैंडल पर क्लिक करें और उसे उचित आकार मिल जाने तक ड्रैग करें। प्रेजेंटेशन के अंदर रेखाओं या लाइंस को भी रिसाइज किया जा सकता है। लाइन को रिसाइज करने के लिए पहले उसे चुनें। रिसाइज हैंडल रेखा के दोनों कोनों पर दिखाई देगा। किसी भी एक रिसाइज हैंडल को ड्रैग करके आप रेखा की लंबाई को बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे जैसे आप ड्रैग करते हैं लाइन का इमेज दिखाई पड़ता है, ताकि आप रिसाइजिंग के प्रभाव को देख सकें। लाइन का दूसरा कोना बंधा हुआ ही रहता है, और यदि रेखा को उसी एंगल पर रखना है तो रेखा को रिसाइज करते वक्त शिफ्ट की को दबाकर रखें। चलिए देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को किस तरह अलाइन किया जा सकता है। स्लाइड्स में ऑब्जेक्ट्स का अलाइनमेंट बदल सकते हैं। आप इन्हें स्लाइड्स के लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम के हिस्से में अथवा एक दूसरे के संदर्भ में रख सकते हैं। ड्रॉ मेन्यू का उपयोग करके ऑब्जेक्ट्स को अलाइन इस प्रकार कर सकते हैं। पहले ऑब्जेक्ट का चयन करें जिसे आप अलाइन करना चाहते हैं। अब ड्राइंग टूलबार से ड्रॉ आइकॉन पर क्लिक करें। ये ड्रॉ मेन्यू दिखाएगा। इस ड्रॉ मेन्यू में अलाइन या डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन को चुनें ताकि वो आपको अलाइनमेंट का सब मेन्यू दिखा सके। अब अपनी जरूरत के अनुसार अलाइनमेंट को चुन लीजिए। अगर अलाइनमेंट स्लाइड के संदर्भ में है तो आपको पहले रिलेटिव टू स्लाइड ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। चुने हुए अलाइनमेंट के मुताबिक ही चुना हुआ ऑब्जेक्ट अलाइन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट्स को आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल गाइड्स के द्वारा भी अलाइन कर सकते हैं। गाइड्स द्वारा ऑब्जेक्ट्स अलाइन करने के लिए मेन्यू बार से व्यू ऑप्शन पर क्लिक करें। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाएगा। अब व्यू मेन्यू में से गाइड ऑप्शन को चुनें, या फिर माउस बटन को राइट क्लिक करके भी आप शॉर्टकट मेन्यू देख सकते हैं, और फिर इस मेन्यू से गाइड ऑप्शन को चुनें। अब आप एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डॉटेड रेखा देखेंगे, जो कि स्लाइड के मध्य में एक दूसरे को क्रॉस करती हुई नजर आएंगी। आप इन वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन्स पर क्लिक करके उन्हें स्लाइड के आर पार भी ड्रैग कर सकते हैं। एक गाइड इंडिकेटर भी प्रदर्शित होता है, जो आपको इंच में बताएगा कि स्लाइड के मध्य से आप गाइड को कितना दूर ले गए हैं। जब आप गाइड को ड्रैग कर रहे होते हैं तब यदि गाइड इंडिकेटर नंबर्स जंप करता है तो आप ड्रॉ मेन्यू से स्नैप को चुने, फिर टू ग्रीड को, ये स्नैप टू ग्रीड फीचर को बंद कर देता है। ऑब्जेक्ट्स को स्लाइड के ऊपर भी मूव किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके उसे चुने, फिर लेफ्ट माउस बटन को दबाकर रखते हुए ऑब्जेक्ट को मनचाही दिशा में ड्रैग करें। ऑब्जेक्ट को ड्रैग करते समय उसकी रूपरेखा यानी कि आउटलाइन डॉटेड दिखाई देगी।
ऑब्जेक्ट को नए स्थान पर ले जाने के बाद माउस बटन को छोड़ दें। ये डॉटेड लाइन फिर अपने मूल स्वरूप में बदल जाएंगी। कई बार दो या उससे अधिक ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर ओवरलैप करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे केस में आपको एक ऑब्जेक्ट दूसरे से ठीक ऊपर दिखाई देगा। जो पहला ऑब्जेक्ट आपने बनाया है वो बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स के पीछे दिखाई देता है और ये बाद में शामिल होते हैं, जबकि आपने जो अंतिम ऑब्जेक्ट बनाया है वो सबसे ऊपर दिखाई देगा। आप ऑब्जेक्ट के दिखाई देने के क्रम को भी बदल सकते हैं। आपके पास ये विकल्प उपलब्ध हैं: ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। इस प्रकार की ऑर्डरिंग केवल ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट के लिए ही संभव होती है। ऑब्जेक्ट को सामने या फॉरवर्ड या फिर पीछे या बैकवर्ड भेजने के लिए उस ऑब्जेक्ट का चयन करें जिन्हें आप आगे या फिर पीछे भेजना चाहते हो। ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करें, ये आपको पॉपअप मेन्यू दिखाएगा। इस मेन्यू से ऑर्डर ऑप्शन चुन लें जो ऑर्डर सब मेन्यू दिखाएगा। इस ऑर्डर सब मेन्यू के पास ऑर्डरिंग के लिए चार विकल्प उपलब्ध होते हैं। यदि आप ब्रिंग टू फ्रंट या सेंड टू बैक ऑप्शंस का चयन करते हैं तो चुना हुआ ऑब्जेक्ट बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स के या तो सामने आ जाएगा या फिर उनके पीछे चला जाएगा। ये केस पर निर्भर करता है। स्लाइड के ऑब्जेक्ट्स को किसी भी मनचाही डिग्री पर रोटेट या घुमाया भी जा सकता है। ऑब्जेक्ट्स को अकेले या इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के रूप में भी रोटेट किया जा सकता है। इन्हें समूह के एक भाग के रूप में अथवा मल्टीपल सिलेक्शन के भाग के रूप में भी रोटेट किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट को रोटेट इनके प्रयोग द्वारा किया जा सकता है, ड्राइंग टूलबार द्वारा अथवा ड्राइंग टूलबार के ड्रॉ मेन्यू ऑप्शन द्वारा। ड्राइंग टूलबार के द्वारा ऑब्जेक्ट को इस प्रकार रोटेट किया जा सकता है। क्लिक करके ऑब्जेक्ट या समूह का चयन करें जिसे आप रोटेट करना चाहते हैं, फिर ड्राइंग टूलबार के फ्री रोटेट टूल पर क्लिक करें। अब माउस पॉइंटर फ्री रोटेट पॉइंटर में बदल जाएगा। इस फ्री रोटेट पॉइंटर को किसी भी एक रीसाइजिंग हैंडल पर रखते हुए लेफ्ट माउस बटन को दबाकर रखें और फिर पॉइंटर को ड्रैग कर ऑब्जेक्ट के मनचाहे एंगल से रोटेट करें। ड्राइंग टूलबार के ड्रॉ मेन्यू द्वारा भी आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। पहले ऑब्जेक्ट या समूह का चयन करें जिसे आप रोटेट करना चाहते हैं, फिर ड्राइंग टूलबार के ड्रॉ ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि वो उसका ड्रॉ मेन्यू दिखाएं। इस मेन्यू से रोटेट या फ्लिप ऑप्शन का चयन करें ताकि आप सब मेन्यू देख सकें। सब मेन्यू में उपलब्ध विकल्प हैं फ्री रोटेट, रोटेट लेफ्ट और रोटेट राइट। इसके पास और दो विकल्प उपलब्ध होते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल। इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली घुमाने या टर्न के लिए किया जाता है। आप इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं, ऑब्जेक्ट उसी के अनुसार रोटेट करेगा। पावरपॉइंट स्टैंडर्ड टूलबार में उपलब्ध कट, कॉपी और पेस्ट आइकॉन द्वारा स्लाइड के ऑब्जेक्ट को कट, कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा होती है। यही ऑपरेशन एडिट ड्रॉपडाउन मेन्यू में उपलब्ध विकल्पों का इस्तेमाल करके भी कार्यान्वित किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट्स को एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर कट और कॉपी किया जा सकता है। यहाँ तक कि एक प्रेजेंटेशन से दूसरे प्रेजेंटेशन में भी ऐसा कर पाना संभव है। जब भी कट और कॉपी के विकल्पों का प्रयोग किया जाता है तब ऑब्जेक्ट की एक कॉपी क्लिपबोर्ड में रख दी जाती है, जहां से फिर किसी अन्य स्थान पर इसे पेस्ट कर सकते हैं। डुप्लीकेट कमांड कट और कॉपी के कमांड से थोड़ा अलग होता है। जब ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट किया जाता है तब ऑब्जेक्ट की कॉपी क्लिपबोर्ड में नहीं रखी जाती। जब ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट किया जाता है तब ऑब्जेक्ट की एक कॉपी सीधे ही स्लाइड में रख दी जाती है। ये मूल प्रति या ओरिजिनल कॉपी से थोड़ी सी ऑफसेट होती है। चलिए देखते हैं कि किस तरह से ऑब्जेक्ट को कॉपी और पेस्ट किया जाता है। पहले उस ऑब्जेक्ट का चयन करें जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं, फिर स्टैंडर्ड मेन्यू बार के एडिट ऑप्शन पर क्लिक करें। ये एडिट ड्रॉपडाउन मेन्यू दिखाएगा। एडिट मेन्यू से कॉपी ऑप्शन का चयन करें। ये ऑब्जेक्ट की एक कॉपी क्लिपबोर्ड पर रख देगी। मूल ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा, वो इंटैक्ट ही रहेगा। अब एडिट ड्रॉपडाउन मेन्यू से पेस्ट ऑप्शन को चुनें।
इस तरह ऑब्जेक्ट की एक कॉपी अब स्लाइड में आ जाएगी। ऑब्जेक्ट को जल्दी से कॉपी और पेस्ट करने के लिए स्टैंडर्ड टूलबार से कॉपी और पेस्ट आइकॉन का चयन करें। चलिए देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को किस तरह कट और पेस्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को एक स्थान पर कट या फिर डिलीट या खारिज किया जा सकता है। इसे भिन्न स्थान पर पेस्ट भी किया जा सकता है। पहले उस ऑब्जेक्ट का चयन करें जिसे आप कट करना चाहते हैं। फिर स्टैंडर्ड मेन्यू बार से एडिट मेन्यू पर क्लिक करें। ये एडिट ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाएगा। एडिट मेन्यू से कट ऑप्शन का चयन करें। ये ऑब्जेक्ट को स्लाइड में से खारिज या डिलीट कर देगा और उसे क्लिपबोर्ड में रख देगा। अब क्लिपबोर्ड से आप ये ऑब्जेक्ट उसी स्लाइड में अन्यथा किसी और स्लाइड में पेस्ट कर सकते हैं। फिर एडिट ड्रॉप डाउन मेन्यू से पेस्ट ऑप्शन चुनें। इस तरह ऑब्जेक्ट अब स्लाइड में रख दिया जाएगा। स्टैंडर्ड टूल बार के कट और पेस्ट आइकॉन का प्रयोग कर आप ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत जल्दी कट और पेस्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को डुप्लीकेट किस प्रकार कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना ऑब्जेक्ट को पिछले स्थान से कॉपी या कट करने के समान नहीं होता है। ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट का चयन करें। फिर स्टैंडर्ड मेन्यू बार से एडिट ऑप्शन पर क्लिक करें। ये आपको एडिट ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाएगा। अब इस मेन्यू से डुप्लीकेट ऑप्शन का चयन करें। ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट की गई प्रति मूल ऑब्जेक्ट के ऊपर थोड़े से ऑफसेट पर ही दिखाई देती है। इस डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को चुनें और ड्रैग करके मनपसंद स्थान पर ले जाएं। आप ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट ड्रैग करके भी कर सकते हैं। पहले ऑब्जेक्ट का चयन करें, फिर कंट्रोल की को दबाएं। इससे पॉइंटर के साथ ही प्लस साइन दिखाई देगा। अब लेफ्ट माउस बटन को दबाकर रखते हुए पॉइंटर को ड्रैग करें। ऑब्जेक्ट की एक कॉपी पॉइंटर के साथ ही मूव करेगी और इस तरह इसे मनपसंद स्थान पर रख सकते हैं। स्लाइड में विभिन्न प्रकार की कलर स्कीम्स का प्रयोग कर उनमें रंग भी डाल सकते हैं। स्लाइड्स पर कलर स्कीम्स का प्रयोग करने के लिए स्टैंडर्ड मेन्यू बार से फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करें। ये आपको फॉर्मेट ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाएगा। फॉर्मेट मेन्यू से स्लाइड कलर स्कीम ऑप्शन को चुनें। ये आपको कलर स्कीम डायलॉग बॉक्स दिखाएगा। स्टैंडर्ड टैब पर क्लिक करें। ये आपको 7 स्टैंडर्ड कलर स्कीम्स दिखाएगा। किसी भी एक कलर स्कीम का चयन करें। स्लाइड पर चुना गया कलर स्कीम डालने के पहले आप स्लाइड पर उसका प्रभाव डायलॉग बॉक्स के प्रीव्यू बटन को दबाकर देख सकते हैं। प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड्स पर कलर स्कीम्स का प्रयोग अप्लाई टू ऑल बटन पर क्लिक करके किया जा सकता है। अन्यथा आप सिर्फ वर्तमान में प्रयोग आ रही स्लाइड्स पर ही कलर स्कीम अप्लाई बटन पर क्लिक करके डाल सकते हैं। ध्यान दें कि कलर स्कीम डायलॉग बॉक्स नए प्रयोग करने वाले यूजर्स के लिए एक टिप बॉक्स भी रखता है। ये सलाह देता है कि ओवरहेड्स बनाते समय हल्का बैकग्राउंड रखना चाहिए, जबकि ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन तथा 35mm स्लाइड्स के लिए डार्क बैकग्राउंड का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप कलर प्रिंटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बड़े हिस्सों को रंगना काफी महंगा साबित हो सकता है। स्टैंडर्ड कलर स्कीम्स के अलावा भी आप अपने कस्टम कलर्स परिभाषित कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मेन्यू बार से फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर फॉर्मेट मेन्यू से स्लाइड कलर स्कीम ऑप्शन का चयन करें। अब दर्शाए कलर स्कीम डायलॉग बॉक्स से कस्टम टैब का चयन करें। ये कस्टम स्कीम डायलॉग बॉक्स खोलता है। अब आप अपने पसंद के रंगों को परिभाषित कर सकते हैं और अपनी वर्तमान स्लाइड या फिर प्रेजेंटेशन की सारी स्लाइड्स में ये बदलाव चेंज कलर बटन पर क्लिक करके पा सकते हैं। कलर स्कीम्स बनाने के लिए विभिन्न उपलब्ध विकल्प हैं। बैकग्राउंड कलर, ये आपके कैनवास के रंग का वर्णन करती है जिस पर आप काम करेंगे। टेक्स्ट एंड लाइंस कलर, ये स्लाइड पर बनाई गई टेक्स्ट और लाइंस को रंगने के प्रयोग में आता है। शैडो कलर, इस रंग का प्रयोग तब किया जाता है जब आप ऑब्जेक्ट पर शैडो इफेक्ट देते हैं और अक्सर ये बैकग्राउंड के रंग से गहरे शेड की होती। टाइटल टेक्स्ट कलर, ये टाइटल के फॉन्ट कलर को निर्धारित करता है। फिल कलर, इसका प्रयोग ग्राफ और ऑब्जेक्ट्स को भरने के लिए किया जाता है। एक्सेंट एंड हाइपरलिंक कलर्स, ये स्लाइड के सेकेंडरी फीचर्स के लिए प्रयोग में लाया जाता है।
आवश्यक बदलाव करने के बाद एड एस स्टैंडर्ड स्कीम के बटन पर क्लिक करें। अपने प्रेजेंटेशन को और जानदार आप कस्टम बैकग्राउंड के द्वारा बना सकते हैं। विभिन्न उपलब्ध बैकग्राउंड विकल्पों से आप इसका चयन कर सकते हैं। इन विकल्पों का विस्तार सॉलिड रंग से ग्रेडियंट्स तक, टेक्सचर्स और पिक्चर्स तक होता है। बैकग्राउंड को किसी भी समय बदला जा सकता है। प्रेजेंटेशन में बैकग्राउंड डालने के लिए स्टैंडर्ड मेन्यू बार से फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करें। ये फॉर्मेट ड्रॉपडाउन मेन्यू दिखाएगा। फॉर्मेट मेन्यू से बैकग्राउंड ऑप्शन का चयन करें। ये बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स दिखाएगा। बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स में बैकग्राउंड फिल बॉक्स के नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स के डाउन एरो पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू से फिल इफेक्ट्स ऑप्शन का चयन करें। ये फिल इफेक्ट्स डायलॉग बॉक्स दिखाएगा। इस डायलॉग बॉक्स से ग्रेडियंट टैब का चयन करें। डायलॉग बॉक्स का रंग विभाग यानी कि कलर सेक्शन आपको बैकग्राउंड में रंग भरने के विभिन्न विकल्प देता है, जैसे एक रंग या सिंगल कलर, दो रंग या पहले से ही निर्धारित रंगों में से एक का चयन किया जा सकता है। फिल इफेक्ट का एक नमूना फिल इफेक्ट्स डायलॉग बॉक्स के नीचे दाएं कोने में दिखाया हुआ है। डायलॉग बॉक्स का शेडिंग स्टाइल्स विभाग आपको फिल इफेक्ट के ओरिएंटेशन का चयन करने की सुविधा देता है। डायलॉग बॉक्स का वेरिएंट सेक्शन आपको किसी विशेष चुने गए फिल इफेक्ट के लिए वेरिएंट्स चुनने की सहूलियत देता है। आवश्यकता के अनुसार सभी पैमाने या पैरामीटर्स चुन लेने के बाद ओके बटन पर क्लिक करें। ये आपको बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स पर वापस ले जाएगा। अब वर्तमान स्लाइड में ये सेटिंग्स का प्रयोग अप्लाई बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन की सारी स्लाइड्स का बैकग्राउंड रंग अप्लाई टू ऑल बटन पर क्लिक करके बदला जा सकता है। आपके द्वारा निर्धारित बैकग्राउंड इफेक्ट्स स्लाइड्स व्यू में दिखाई देंगे। यदि आपको पहले से ही किसी स्लाइड के निर्धारित सेटिंग्स का प्रयोग दूसरे स्लाइड को फॉर्मेट करने के लिए करना है तो वही फॉर्मेटिंग की जानकारी दोबारा एंटर करने की जरूरत नहीं होती है। स्टैंडर्ड टूलबार के फॉर्मेट पेंटर आइकॉन का प्रयोग कर आप फॉर्मेट सेटिंग्स की नकल एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर कर सकते हैं। इस तरह फॉर्मेट पेंटर टूल व्याप्त कलर स्कीम को एक स्लाइड से दूसरे या फिर प्रेजेंटेशन में प्रयोग करने का सबसे आसान तरीका। फॉर्मेटिंग की जानकारी को यदि एक आइटम से दूसरे पर कॉपी करना हो तो पहले उस टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट का चयन करें जिससे फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है। फिर स्टैंडर्ड टूलबार से फॉर्मेट पेंटर आइकॉन पर क्लिक करें। यदि एक से अधिक स्लाइड पर कलर स्कीम को कॉपी करना है तो फॉर्मेट पेंटर आइकॉन पर दो बार क्लिक या डबल क्लिक करें। अब चुने हुए ऑब्जेक्ट से फॉर्मेटिंग की जानकारी ली जा चुकी है और माउस पॉइंटर भी एक एरो में बदल जाता है जिसके साथ पेंट ब्रश जुड़ा हुआ होता है। उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करके चुने जिस पर ये फॉर्मेटिंग की जानकारी अप्लाई करनी है। जब आपने फॉर्मेटिंग खत्म कर ली हो तो फॉर्मेट पेंटर कैंसिल करने के लिए आपको एस्केप की प्रेस करनी चाहिए।